friends, I'm Himanshu Kapoor. This is our next video on time and work questions. So let us start with the question. A, complete half as much work as B in equal time. C, complete half as much work as A and B together in equal time. If C alone can complete the work in 40 days, then in how many days they together can complete the work? क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि किसी समय में बी किसी काम को पूरा करता है, उसी समय में ए जो है काम का आधा भाग पूरा करता है, और दूसरे स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि किसी समय में ए प्लस बी किसी काम को पूरा करते हैं तो उसी समय में सी काम का आधा भाग पूरा करता है, और हमें ये कहा गया है कि सी जो है काम को अकेला 40 दिन में पूरा करता है। हमें ये बताना है कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो हमें फर्स्ट स्टेटमेंट से ये पता चल रहा है कि जो ए की एफिशिएंसी है वो बी की एफिशिएंसी के हाफ है। सपोज द एफिशिएंसी ऑफ बी इज 4, दैट मींस द एफिशिएंसी ऑफ ए शुड बी 2। सिमिलरली इफ द एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी, द कंबाइंड एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी इज 6, दैट मीन्स द एफिशिएंसी ऑफ सी शुड बी हाफ ऑफ द कंबाइंड एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी, दैट इज 3। हेयर वी गेट द इंडिविजुअल एफिशिएंसी रेशियो ऑफ ए बी सी, दैट इज 2:4:3। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड टोटल वर्क। इफ सो वी हैव टू फाइंड टोटल वर्क, सो मल्टीप्लाइंग द एफिशिएंसी ऑफ सी विद द नंबर ऑफ डेज सी कंप्लीट्स द वर्क, वी गेट द टोटल वर्क, दैट इज 120। Now, in how many days they together can complete the work? Divide this total work with the efficiency of A, B, C, that is 9. And we get the number of days in which they together can complete the work, that is 13:1:3 days. I repeat the question. हमें question में क्या बोला गया है कि जो A है वो कि जब जितने टाइम में B जो है काम को पूरा करता है उतने टाइम में A जो है काम का आधा भाग पूरा करता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो B की एफिशिएंसी है वो A की एफिशिएंसी से डबल है। और सेकंड स्टेटमेंट में क्या बोला गया है कि जितने समय में A प्लस B काम को पूरा करते हैं उतने समय में जो C है काम का आधा भाग पूरा करता है। इसका मतलब क्या हुआ, A प्लस B की जो कंबाइन एफिशिएंसी है उसका जो हाफ है वो C की एफिशिएंसी होगी। अब हमें इंडिविजुअल एफिशिएंसी रेशियो मिल गया 2:4:3। तो अब हमने इससे क्या किया कि टोटल वर्क निकाल लिया। टोटल वर्क कितना हुआ, हमें पता है कि सी ने जो है ना अकेले काम 40 डेज में पूरा किया। तो काम जो है, जो टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, हम नंबर ऑफ डेज को एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे सी की, तो हमें टोटल वर्क मिल जाएगा। अब ये काम हमें तीनों से कराना है, तो हमने क्या किया कि तीनों की एफिशिएंसी को ऐड कर दिया, टोटल वर्क को डिवाइड कर दिया तीनों की एफिशिएंसी से, हमें नंबर ऑफ डेज मिल गए जिसमें जो है हमारा काम पूरा हुआ। एक्स प्लस वाई कैन कंप्लीट ए वर्क इन 8 डेज इफ एक्स एंड वाई वर्क ट्वाइस एंड 1/3 ऑफ देयर रिस्पेक्टिव एफिशिएंसी, देन द वर्क इज कंप्लीटेड इन 6 डेज। हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है, हमें क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एक्स और वाई दोनों मिलकर किसी काम को 8 दिन में पूरा करते हैं। अगर एक्स जो है अपनी दोगुनी क्षमता से काम करे और वाई जो है अपनी क्षमता का 1/3 क्षमता से काम करे, तो हमें बताना है कि ए मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। नाउ कम टू द सॉल्यूशन। सपोज द एफिशिएंसी ऑफ एक्स इज equal to x, similarly for y equal to y. So first of all we will find the total work. So multiplying the combined efficiency of x plus y with the number of days in which the work is completed. Suppose this is our first equation. Now for second equation, if x work with twice efficiency, that is 2x, and y works with 1/3 of their efficiency, the work get completed in 6 days. This is our second equation. Now this is total work and this is also total work. So comparing this total work, that is x plus y into 8, 2x plus 1/3y by solving this we get the efficiency ratio of x by y, that is 3/2. Now we have the efficiency ratio of x and y, that is 3:2. So we have to find total work.
Adding these efficiency, multiplying with the number of days in which the work is completed, we get the total work, that is 40. Now, in the question, we have to find in how many days X alone can complete the work. So, this total work should be divided with the efficiency of X, as we have to find in number of days X will complete the work, that is 13:1/3 days in which X will complete the work. I repeat the question. हमने मान लिया कि x की एफिशिएंसी x है और y की एफिशिएंसी y है. अब हमने क्या किया कि हमने टोटल वर्क को निकाल लिया. कैसे निकालेंगे टोटल वर्क को? दोनों की एफिशिएंसी को ऐड करेंगे और नंबर ऑफ डेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? टोटल वर्क. अब दूसरे स्टेटमेंट में क्या कहा गया है? दूसरे स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि x अगर अपनी दुगनी क्षमता से काम करे और y अपनी एक तिहाई क्षमता से काम करे तो काम जो है 6 दिनों में पूरा होगा. अब ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है. दोनों वर्क को हमने कंपेयर किया तो हमें x और y की रेशियो मिल गया. x और y का जो एफिशिएंसी रेशियो है वो कितना आ गया? 3 और 2. अब हमें टोटल वर्क निकाल लिया क्योंकि अब जो हमारे पास क्या है, x की एफिशिएंसी कितनी है? 3 है. y की कितनी है? 2 है. तो टोटल वर्क कितना आ गया हमारा? 40. अब हमें ये जो काम है किससे करवाना है? हमें काम करवाना है x से. हमने इस 40 को डिवाइड कर दिया एफिशिएंसी से x से, हमें नंबर ऑफ डेज मिल गए जिसमें जो हमें हमारा काम पूरा हो जाएगा. Now the next question is, A and B can complete a work in 10 days if A does a work with half of his efficiency and B does a work with 5 times of his efficiency, then they complete the work in 50% time. In how many days B completes the work? हमें क्वेश्चन में क्या बताया गया है? हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि A और B किसी काम को मिलकर 10 दिन में पूरा करते हैं. अगर A हाफ एफिशिएंसी से काम करे और बी अपनी एफिशिएंसी के 5 times काम करे, 5 गुना एफिशिएंसी से बी काम करे, तो जो है काम जो है ना 50% टाइम में पूरा हो जाता है. हमें बताना है कि बी उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा. नाउ कम टू द सॉल्यूशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड टोटल वर्क. सपोज द एफिशिएंसी ऑफ ए इज इक्वल टू ए, एफिशिएंसी ऑफ बी दैट इज इक्वल टू बी. So we will find total work adding the efficiency of A plus B, multiplying this efficiency with the number of days in which work is completed, that is work done. This is equation number one. Now what the second statement says? Second statement says if A does a work with half of his efficiency. हमने यहाँ पे क्या सपोज किया था कि ए की एफिशिएंसी ए है और बी की एफिशिएंसी बी है. अगर ए अपनी हाफ एफिशिएंसी से काम करता है और बी अपनी एफिशिएंसी के 5 times काम करता है तो काम जो है 50% टाइम में पूरा हो जाता है. अब हमें फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या बताया गया है? हमें फर्स्ट स्टेटमेंट में ये बताया गया है कि ए और बी मिलकर काम को 10 दिन में पूरा करते हैं. मतलब जो टोटल टाइम कितना है हमारा? हमारा जो टोटल टाइम है वो 10 days है. और अगर ए अगर अपनी हाफ एफिशिएंसी से काम करता है और बी जो है अपना 5 times एफिशिएंसी से काम करता है तो क्या होता है? जो हमारा काम है वो 50% टाइम में पूरा हो जाता है. अब टोटल टाइम कितना है? 10 दिन. और 10 दिन का 50% कितना होगा? 10 days का 50% दैट इज इक्वल टू 5 days. मतलब कि अगर वो इस एफिशिएंसी से काम करेंगे दैट मींस अगर ए हाफ एफिशिएंसी से काम कर रहा है, बी 5 times एफिशिएंसी से काम कर रहा है, तो काम जो है हमारा 5 दिन में कंप्लीट हो रहा है. दिस इज आवर सेकंड इक्वेशन. अब हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे क्योंकि ये भी हमारा टोटल वर्क है और ये भी हमारा टोटल वर्क है. तो जब हम इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे तो हमें ए और बी की एफिशिएंसी मिल जाएगी. By solving this, we get the efficiency of A or B that is 2:1. This is the ratio of efficiency of A, B. Now we have the efficiency ratio of A or B that is 2:1. Now what we have to find? We have to find the total work. So, adding the efficiency of A plus B,
multiplying this efficiency with the number of days in which the work is completed. So the total work is 30. So what we have to find? We have to find in how many days we complete this work. So divide this total work with the efficiency of B, we get the number of days the work is completed by B, that is 30 days. I repeat the question. हमें क्वेश्चन में बताया गया, हमें क्या किया क्वेश्चन के अंदर, हमें बोला गया है कि ए और बी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं, और ए अगर अपनी हाफ एफिशिएंसी से काम करे, बी 5 गुनी एफिशिएंसी से काम करे, तो काम जो है 50% टाइम में पूरा हो जाता है. तो हमने क्या किया, हमने ये एज्यूम कर लिया कि ए की एफिशिएंसी ए के इक्वल है और बी की एफिशिएंसी बी के इक्वल है. तो अब हमने टोटल वर्क निकाल दिया. टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, ए बी की कंबाइन एफिशिएंसी को नंबर ऑफ डेज जिसमें वो काम को पूरा करते हैं उससे मल्टीप्लाई कर दिया, हमें टोटल वर्क मिल गया. अब दूसरे स्टेटमेंट में क्या किया हुआ है कि ए अगर अपनी हाफ एफिशिएंसी से काम करे, बी 5 टाइम एफिशिएंसी से काम करे, तो काम 50% टाइम में पूरा हो गया. तो हमने क्या किया, इस टोटल वर्क को कंपेयर कर लिया, हमें ए और बी की एफिशिएंसी रेशियो मिल गई, दैट इज 2:1. अब हमें टोटल वर्क फाइंड आउट करना है. टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, दोनों की एफिशिएंसी को ऐड किया, अब हमारे पास दोनों की एफिशिएंसी आ गई, तो टोटल वर्क कितना आ गया हमारा 30. और इस 30 को हम क्या कहते हैं, डिवाइड कर देंगे बी की एफिशिएंसी से, तो हमें नंबर ऑफ डेज मिल जाएंगे जिसमें बी जो है काम को पूरा करेगा. नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 24 डेज इफ दे स्टार्ट द वर्क टुगेदर. After 20 days, A left the work and the whole work is completed in 26 days. In how many days A alone does the whole work? What the question says? कि A और B दोनों मिलकर किसी काम को 24 दिन में पूरा करते हैं. अगर वो साथ में काम करना शुरू करते हैं तो काम शुरू होने के 20 दिन बाद A काम को छोड़कर चला जाता है और जो काम है वो 26 दिन में पूरा होता है. हमें ये बताना है कि ए अकेला मिलकर उस पूरे काम को कितने दिन में करेगा. सो नाउ द सॉल्यूशन इज ए प्लस बी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 24 डेज. दिस इज आवर टोटल वर्क. हमने क्या किया, ए प्लस बी की जो एफिशिएंसी है उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 24 डेज से. हमने मान लिया कि ए की एफिशिएंसी ए है, बी की एफिशिएंसी बी है, और 24 डेज से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा क्या आ गया, टोटल वर्क आ गया. ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है. अब हमें सेकंड स्टेटमेंट में क्या कहा गया है कि काम शुरू होने के 20 दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया. दैट मीन्स ए एंड बी टुगेदर वर्क फॉर 20 डेज एंड लास्ट 6 डेज ओनली बी वर्क. This is our second equation. Now we will comparing this equation. So here we get the efficiency ratio of A and B by solving this equation, that is 1:2. Now what we have to do, we have to find the total work. So total work should be equal to adding the efficiency of A and B, multiplying with the number of days. This is our total work, that is equal to 72. Now we have to find in how many days A alone does the whole work. Now the whole work is 72. Dividing the 72 with the efficiency of A, that is 1, we get the number of days in which A will complete the work, that is 72 days. I repeat the question. हमने क्या किया, हमें दिया हुआ क्वेश्चन में ए और बी मिलकर किसी काम को 24 दिन में करते हैं. इसका मतलब अगर ए की एफिशिएंसी ए है, बी की एफिशिएंसी बी है, और काम पूरा हो रहा है 24 दिनों में, तो ये हमारा क्या हो गया, टोटल वर्क. और सेकंड इक्वेशन में क्या बोला गया है कि काम शुरू होने के 20 दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया. इसका मतलब क्या हुआ कि ए और बी ने साथ मिलकर 20 दिन काम किया, और जो लास्ट के 6 डेज थे वहाँ पर बी ने अकेले काम किया. अब ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है, दोनों को कंपेयर किया और हमें ए और बी का रेशियो मिल गया एफिशिएंसी का 1:2. अब हमने फिर से टोटल वर्क फाइंड आउट किया. टोटल वर्क कितना हुआ, क्योंकि अब हमें एफिशिएंसी मिल गई ए की और बी की, तो टोटल वर्क कितना हुआ, 72. अब हमें नंबर ऑफ डेज फाइंड आउट करने हैं जिसके अंदर ए जो है काम को कितने दिन में पूरा करेगा. तो टोटल वर्क को डिवाइड कर दिया ए की एफिशिएंसी से, हमें नंबर ऑफ डेज मिल गए जिसमें हमारा जो ए है वो काम को पूरा करेगा.